नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। 17 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकी और किसकी नहीं। आज मतदान का दिन था, प्रत्याशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कैसा रहा उनका आज का दिन और कैसा रहा पार्टी के दिग्गजों के लिए दिन, जीत के लिए कौन कितना आश्वस्त है, इसी मुद्दे पर आज हमने बात की कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से। क्या कुछ कहना था दोनों का, चलिए सुनाते हैं। आज का दिन उत्साह का, प्रजातंत्र में एक उमंग और विश्वास का था कि हम मध्य प्रदेश में नगर निगम में सरकार बना रहे हैं। एक प्रजातंत्र की उन्होंने, क्योंकि नगर निगम हमारी एक स्वतंत्र इकाई होती है और इंदौर पूरे मध्य प्रदेश का अजय स्थल है जी। और यहाँ पर उत्साह के साथ भारतीय जनता के पार्टी के प्रति आम जनता का विश्वास अटूट है जी। और वही भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बनेगा और जो 85 प्रत्याशी हमारे पार्षद के, उसको भी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि इंदौर की जनता का विश्वास, देश में भी दिल्ली में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, अब इंदौर में भी भाजपा की सरकार नगर निगम में बनेगी। अब कोई नाराज नहीं है, हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, व्यक्ति नहीं लड़ता। हमारे यहाँ पार्टी लड़ती है, विचारधारी लड़ती है और कमल का फूल लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन। आज का दिन जबरदस्त रहा। आज कमलनाथ जी के संग में आज कटनी में हम साथ में थे और जिस तरह की खबरें सब दूर से आ रही हैं वो बहुत ही जोश बढ़ाने वाली खबरें हैं कि कहीं ना कहीं एक जबरदस्त लहर है परिवर्तन की। और जिस तरह से युवा लोग पढ़कर बाहर निकले हैं, महिलाएं बाहर निकली हैं, निश्चित तौर पर परिवर्तन की एक बहुत बड़ी आर्ट है। और हमारे प्रत्याशियों के साथ में जिस तरह से मजमा दिखा है आज, निश्चित तौर पर नगर निगम चुनाव में एक जबरदस्त रिजल्ट आपको कांग्रेस के पक्ष जन करने के लिए आज घर से बाहर निकले हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से प्रशासन ने, जो सरकार है उन्होंने पैसा, प्रशासन और पावर का बहुत दुरुपयोग करने का प्रयास करा है, उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं एक दृढ़ता दिखाई है परिवर्तन के लिए। और हम आश्वस्त हैं कि कमल जी नगर सरकार रहती है उसमें आपको देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। जिस तरह से कांग्रेस में जबरदस्त जो फीडबैक लिया गया जमीनी सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने जो टिकट वितरण करा है और साथ बीजेपी में टिकट वितरण हुआ है जिसमें संतुष्ट लोगों को देखने में मिला है और निर्दलीय भी बहुत सारे बीजेपी के खड़े हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो टिकट सिलेक्शन है उसका फायदा मिलेगा और बीजेपी में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा।